नमस्कार दोस्तों, हैव यू रिसीव्ड सेक्शन 148 ए नोटिस? क्या आपको सेक्शन 148 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कोई नोटिस रिसेंटली मिला है? ऐसा क्यों सर? इन दिनों देखा जा रहा है कि असेसीज एट लार्ज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सेक्शन 148 ए के नोटिस आ रहे हैं। तो ये 148 ए का नोटिस क्या है, इस पर हमें क्या एक्शन लेना है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको कितनी कदर करनी है, इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के अराउंड लेकर के आज का डिस्कशन आपके समक्ष प्रस्तुत है। दोस्तों, कवरेज में आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु पुनः स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करता हूं। पर्पस ऑफ न्यू रिजीम, सेक्शन 148 ए एक प्रकार की एक नई रिजीम है, एक नया तरीका है जो डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। ये नई रिजीम का पर्पस क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ यू, इस रिजीम में, इस सेक्शन 148 ए की रिजीम में असेसिंग ऑफिसर के पास क्या पावर्स हैं, हाउ सच पावर्स आर यूज्ड, वो पावर किस प्रकार से प्रयोग की जा सकती हैं, व्हाट इफ द असेसी रिस्पॉन्ड्स, अगर असेसी आप हैं और आपको इस प्रकार का कोई नोटिस मिला है और आपने उसको रिस्पॉन्स कर दिया है तो उसके क्या परिणाम होंगे, हाउ द फाइनल डिसीजन शेल बी टेकन बाय द ईओ, और आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पर या डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर फाइनल डिसीजन असेसिंग ऑफिसर क्या लेंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्शन 148 ए ऑर्डर, के सेक्शन 148 ए में क्या एक फाइनल ऑर्डर अगर ईओ पास करता है तो उसके आपके क्या परिणाम होंगे, वेदर सेक्शन 148 ए ऑर्डर इज अपीलेबल, इस प्रक्रिया में 148 ए सेक्शन में ईओ एक ऑर्डर भी पास करेंगे, यानी कर निर्धारण अधिकारी एक ऑर्डर पास करेंगे, क्या उस ऑर्डर पर आप अपील में जा सकते हैं, वेन सेक्शन 148 ए प्रोसीजर नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 148 ए का प्रोसीजर दोस्तों एप्लीकेबल कब नहीं है ये भी हम सीखेंगे, एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 ए, कि ये जिस 148 ए के नोटिस की मैं बात कर रहा हूं इसको इशू किए जाने की टाइम लिमिट क्या है, इस पर भी हम इस वीडियो के थ्रू चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने पर्पस ऑफ न्यू रिजीम रखता हूं कि ये जो नई रिजीम आई है, मैं इसको नई रिजीम क्यों कह रहा हूं जरा मेरी बात को समझिएगा, क्या ऐसा नहीं है कि पहले इनकम एस्केप्ड असेसमेंट के लिए नोटिस नहीं इशू होते थे, अब होने लगे हैं, पहले भी होते थे, लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सेक्शन 147 जो इनकम एस्केप्ड असेसमेंट की चर्चा करता है, नाउ व्हाट इज इनकम एस्केप्ड असेसमेंट, कि आप इसे और सरल शब्दों में रखूं तो कि आपकी कोई इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर तो है, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, ऐसा भारत सरकार मानती है, तो भारत सरकार उस इनकम को टैक्स करना चाहती है, तो इस संदर्भ में पहले एक सेक्शन 147, 148, 149 की प्रक्रिया चालू थी, वो प्रक्रिया अब भी चालू है, लेकिन उस प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए और वो बदलाव मुख्य रूप से सेक्शन 148 ए के रूप में आए। अब ये जो बदलाव है, इनका उद्देश्य है कि डिपार्टमेंट स्टैंडर्डाइज करना चाहता है, सरकार स्टैंडर्डाइज करना चाहती है सेक्शन 147 में असेसमेंट ओपनिंग की प्रक्रिया को, सरकार इस प्रक्रिया को और स्ट्रेंथफुल बनाना चाहती है, और इस संदर्भ में जो लिटिगेशन होते हैं, वाद विवाद होना, अपीलें जो फर्दर की जाती हैं, उन अपील्स को कम कर पाना, ये एक बेसिक पर्पज है सेक्शन 148 ए को लाने का। अब ऐसा क्यों होगा या ऐसा हो पाएगा या नहीं, जब आप मेरे साथ सेक्शन 148 ए को समझेंगे तो आपके लिए ये विजन और क्लैरिटी के साथ में उपलब्ध होगा। अब दोस्तों, जैसा हम मानते हैं कि ये सेक्शन 148 ए न्यू रिजीम है, एक बार के लिए आप मेरे कहने से मान लें, तो ये न्यू रिजीम का टाइटल आपके सामने रखता हूं ताकि कुछ क्लैरिटी और बने कि सेक्शन 148 ए का टाइटल डिपार्टमेंट में क्या डेवलप होकर के आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट की ओर से, कंडक्टिंग इंक्वायरी Providing opportunity before issue of notice under section 148. अब ये notice under section 148 पहले भी होता था और अब भी है। 148 का notice जो पहले prevail करता था, जिसे मैं old regime कह सकता हूं दोस्तों, उसमें क्या होता था, सीधे department assessee को एक notice देता था, बोलता था जी लाइए आपकी return भरी है फलाने assessment year की। Assessee सोचता भाई आज की डेट में मुझे असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए, 18-19 के लिए मान लीजिए नोटिस आ गया और डिपार्टमेंट मुझे कह रहा है रिटर्न भरो, अब ऐसा क्या रह गया मेरे से बताने से जो डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस भेज रहा है, तो वो अंडर एक थ्रेट आ जाता था। न्यू रिजीम में क्या है, डिपार्टमेंट 148 का नोटिस जो देना चाहता है, जिससे रिटर्न मांगना चाहता है, उससे पहले एसएससी को एक मौका दे रहा है ये समझने के लिए कि हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसके बेसिस पर, और वो इंफॉर्मेशन तक शेयर हो रही, जिसके बेसिस पर हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्यों ना आपसे सेक्शन 148 में रिटर्न भरा के आपका असेसमेंट करें।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में आ गया था कि ओल्ड रिजीम में दोस्तों डिपार्टमेंट बताता नहीं था उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। नई रिजीम में डिपार्टमेंट आपको ये बता देगा कि अच्छा, हमारे हिसाब से आपने खाते में इतना कैश जमा कराया, इतने के सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन किए, ये रियल एस्टेट आपने परचेज करी या सेल करी, या आपने फलानी एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम करी और हम उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल रही है डिपार्टमेंट की ओर से कि अच्छा, मेरी इस इंफॉर्मेशन पर डिपार्टमेंट मुझसे और क्लियर क्वेश्चन पूछना चाह रहा। अगर आप उन क्वेश्चन का जवाब उन्हें सेटिस्फाई कर देते हैं तो हो सकता है आप पर 148 का नोटिस आए ही नहीं, और अगर आप जवाब सेटिस्फेक्टरी नहीं दे पाएंगे या डिपार्टमेंट आपके जवाब से खुश नहीं है यानी संतुष्ट नहीं है, तो डिपार्टमेंट फर्दर 147 का असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस इशू करेगा आफ्टर द प्रोसीडिंग ऑफ 148A प्रोसीजर। अब दोस्तों लिए चलता हूं आपको सेक्शन 148A के डिस्कशन पर कि इसमें कुछ पावर्स दी गई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स टू द ईओ। सबसे पहली पावर आपके समक्ष रखता हूं, मैं जनरली बेयर एक्ट से ही चलता हूं। बेयर एक्ट का मतलब है दोस्तों सीधे इनकम टैक्स एक्ट आपके सामने रखने में बिलीव करता हूं, ताकि जो बात मैं करूं उसकी ऑथेंटिसिटी पर आपको भरोसा हो कि हाँ, अनूप भाटिया जो हमसे बात कर रहा है वो सीधे लॉ से बात कर रहा है। इस तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल तो होता है, परंतु सर मुश्किल है पर राह असंभव नहीं है, और राह ऐसी नहीं है कि जहां आप डाइजेस्ट ना कर पाए, क्योंकि आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल रही है कि अनूप भाटिया जो बात हमसे कर रहा है वो बात हमें फाइनल व्यू डेवलप करने में हेल्प करेगी। आइए दोस्तों पढ़ता हूं सेक्शन 148A। ये सेक्शन बोलता है द असेसिंग ऑफिसर शेल, ये शेल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी ईओ के लिए जरूरी है, ईओ शेल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148। मैंने आपको पहले भी बोला 148 का नोटिस क्या है सर, ये है असेसमेंट ओपन करने के लिए दिया गया नोटिस जिससे असेसी से रिटर्न मांगते हैं, और 148A का नोटिस क्या है, जो 148 के नोटिस से पहले हर हाल में देना होगा। कब? ईओ शेल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148 क्या करेगा ईओ सर, ईओ यानी असेसिंग ऑफिसर, कंडक्ट एनी एंक्वायरी, वो एक एंक्वायरी आपके अगेंस्ट कर रहे हैं इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत हो तो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, यानी आप मान लीजिए सीआईटी या सीसीआईटी लेवल पर परमिशन लेने के बाद आपके अगेंस्ट वो एंक्वायरी कर रहे हैं। With respect to the information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment, यानी AO को यदि लगता है, तो वो 148 का नोटिस देने से पहले हर हाल में आपके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी सीनियर अथॉरिटी के अप्रूवल लेकर के ऐसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होके करेंगे जो उन्हें यह सजेस्ट करती है कि आपकी कोई इनकम एस्केप रही है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है उस पर डील करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब आपसे ये चर्चा करता हूं, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में सजेस्ट दैट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, ऐसी कौन सी जानकारी है जिससे ये पता चले कि आपकी इनकम एस्केप्ड रह गई यानी छुपी रह गई टैक्स होने से। आइए इस पे चर्चा करता हूं। मैं फिर टेक्निकली आपसे यहां पे चर्चा करने वाला हूं कि लॉ क्या बोलता है एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 148A The information with the AO which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment means one। अब ऐसी कौन सी जानकारी है जिससे डिपार्टमेंट को लगता है, उन्हें सजेस्ट हो रहा है ऐसा कि आपकी कुछ इनकम एस्केप्ड हुई है। नंबर वन, एनी इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन द केस ऑफ द असेसी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इन अकॉर्डेंस विथ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सरल शब्दों में बोलूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टाइम टू टाइम अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाती है जिससे वो ये पता चला सके कि किन लोगों की ओर से टैक्स देयता नहीं आई जो आनी चाहिए थी, तो वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में कुछ फ्लैगिंग करते हैं कि अच्छा, किस व्यक्ति ने अपने खाते में 10 लाख रुपए ज्यादा नकद जमा करे, किसने रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन सर्टेन वैल्यू से ऊपर किए, हो सकता है उन्होंने उस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं किया हो, किस व्यक्ति ने ज्वेलरी रियल एस्टेट परचेज करी, हो सकता है उसके सोर्स पता ना हो, या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनी फाइनल ऑब्जेक्शन रेज बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू द इफेक्ट दैट द असेसमेंट इन द केस ऑफ असेसी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये बताता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों जो असेसमेंट करता है उसकी भी ऑडिट CNAG ऑफिस भारत सरकार का विभाग, ठीक है, महालेखाकार अंकेक्षण
की ओर से किया जाता है, जो डिपार्टमेंट के ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू करते हैं, उनको चेक करते हैं, और अगर उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि इस व्यक्ति ने ये डिडक्शन क्लेम किया गलत किया, ये एग्जम्पशन क्लेम की गलत करी, ये इनकम उसकी पूरी नहीं ऑफर हुई, इस प्रकार के ऑब्जेक्शन पर बेस्ड होकर के भी सेक्शन 148A का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दोस्तों इश्यू हो सकता है। अब मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट के पास में जो रीजन सजेस्टेड हैं, यानी उनके पास में पीछे जो एक सजेस्टिव कोई इंफॉर्मेशन सीबीडीटी की ओर से बेस के रूप में आ रही है या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के किसी फाइनल ऑब्जेक्शन के रूप में आ रही है, उसके बेसिस पर ईओ ने सेक्शन 148A का एक बेस बनाया, एक कोई इंक्वायरी करी विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। रीजन क्या हो सकता है, मैंने आपके सामने प्रोबेबल रीजन भी रखे। हाउ टू यूज सच पावर, फिर ईओ उस पावर को कैसे यूज करेंगे, यानी असेसिंग ऑफिसर आईटीओ उस पावर को कैसे यूज करेंगे। तो ये बोला गया फर्दर दैट द ईओ शैल प्रोवाइड, अब ईओ को क्या करना है, ही शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अट टू द असेसी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। अगेन वो परमिशन लेकर के आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अट प्रोवाइड करेंगे, यानी समझिए दोस्तों 148A का नोटिस आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अट दी गई है, क्या कि आप अपना पक्ष रख दीजिए। बहुत बड़ी बात है सर कि पहले डिपार्टमेंट प्रीवियस रिजीम में ओल्ड रिजीम में आपको कोई मौका नहीं देता था, अब डिपार्टमेंट 148A की प्रक्रिया में आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी बात रखिए। क्या बात रखनी है कि साहब जो आप पर्टिकुलर रीजन मान रहे हैं कि मेरा ये एग्जम्पशन गलत हुआ, ये डिडक्शन गलत हुआ, ये इनकम छुप गई, ऐसा कुछ नहीं, आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है। तो ईओ शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ टू द असेसी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय सर्विंग अपॉन इट। अब ईओ सर्विस कैसे करेगा नोटिस, है ना, वो बहुत जरूरी है। बाय ईओ इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कैसे देगा, यू शैल सर्व अपॉन हिम अ नोटिस टू शो कॉज, आपको एक कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा विद इन सच टाइम, वो कारण बताओ नोटिस में एक समय अवधि लिखी होगी, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस बीइंग नॉट लेस देन 7 days, कम से कम 7 दिन का नोटिस, एंड बीइंग नॉट बट नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज इशूड और सच टाइम एज मे बी एक्सटेंडेड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन इन दिस वे। मान लो आपको 7 दिन दिया, आपको लगे नहीं सर मुझे 15 दिन चाहिए, तो आप और टाइम मांग लीजिए 148A के नोटिस पर जवाब देने के लिए। एज टू व्हाई अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड नॉट बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड इन दिस रिगार्ड एन असेसमेंट शुड नॉट बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 147। यानी डिपार्टमेंट आपको एक शो कॉज नोटिस दे रहा है कि आप कारण बताइए क्यों ना हम आपके अगेंस्ट में 147 का असेसमेंट खोल दें, या आपको एक 148A का नोटिस दे करके असेसमेंट खोल दें। अब आप यदि उन्हें संतुष्ट कर देते हैं कि नहीं सर मेरा ऐसा कोई केस नहीं है, तो हो सकता है वो आपका असेसमेंट ड्रॉप कर दें, और यदि नहीं करेंगे तो फिर वो आपका असेसमेंट सेक्शन 147 में खोल लेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग। अब दोस्तों मान लेता हूं कि आपने एज एन असेसी रिस्पॉन्स कर दिया, यानी आपने जवाब दे दिया 148A का नोटिस का। कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि साहब 148A का नोटिस का जवाब देना जरूरी है, मेरा कहना है हाँ सर जवाब दीजिए, क्यों नहीं जवाब तो देना है। इस नोटिस के जवाब का क्या परिणाम होगा एओ शैल, कि एओ को फिर क्या करना है, कंसिडर करना है, कंसिडर द रिप्लाई ऑफ द असेसी फर्निश्ड इफ एनी इन रिस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस रेफर टू इन क्लॉज बी। कितनी बड़ी बात है सर कि आप जो नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब देंगे, नोटिस तो डिपार्टमेंट दे रहा है, आप जो जवाब देंगे उस जवाब को असेसिंग ऑफिसर कंसिडर करेगा फॉर द पर्पसेज ऑफ मेकिंग हिज फाइनल डिसीजन, कि क्या वो आपका केस 147 में फाइनली ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। अब दोस्तों सेक्शन 148A का एक और असेंशियल पार्ट जो लास्ट में आता है क्लॉज डी में, क्या बोला, द एओ शैल डिसाइड, ये मैं अपनी ओर से टर्म पढ़ रहा हूं द एओ शैल। एओ ने एक इंक्वायरी करी प्रीवियस परमिशन लेकर के, एओ ने आपको नोटिस दिया उसके लिए भी एओ ने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी या सीनियर अथॉरिटी की परमिशन ली, आपने एक जवाब दाखिल कर दिया। अब इस सब के बाद में क्या होगा, द एओ शैल डिसाइड, इन सब के बाद एओ डिसाइड करेंगे क्या, दैट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है इंक्लूडिंग रिप्लाई ऑफ द असेसी, आपका रिप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंस है इसलिए रिप्लाई देना है, वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इश्यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148, क्या आपका केस 148 का नोटिस देने के लिए फिट केस है, यानी ईओ ये भी डिसाइड कर सकता है कि इट इज अ फिट केस, ईओ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इट इज नॉट अ फिट केस।
बाय पासिंग एन ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, कि वो ऐसे ही नहीं डिसाइड कर लेंगे कि ऑफिस में ही कहीं डिसाइड करके रख लिया, उनको एक ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या ऑर्डर? और अगेन वो ऑर्डर देने से पहले उन्हें परमिशन लेना। तीन स्तर पर सर परमिशन लेने की बात आई है, इंक्वायरी करने से पहले, नोटिस देने से पहले और फाइनल 148A में ये ऑर्डर देने से पहले कि क्या आपका असेसमेंट खोला जा रहा है या नहीं, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द सब रिप्लाई रेफर टू इन क्लॉज सी इज रिसीव्ड बाय हिम और वेयर नो सच रिप्लाई इज फर्निश्ड विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू फर्निश अ रिप्लाई अंडर क्लॉज बी एक्सपायर। यानी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ईओ को डिसाइड करना है कि क्या आपका केस 148 में ले जाने के लिए फिट केस है उनके ओपिनियन में या नहीं। यानी ईओ यहां पर आपको छोड़ भी सकता है और अगर नहीं छोड़ेगा तो आपका केस 147 में ओपन भी कर सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों अब हम ये कंक्लूड तो कर सकते हैं कि 148A में जो ऑर्डर ईओ महोदय पास करेंगे उसके क्या परिणाम होंगे। आइदर द प्रपोज्ड असेसमेंट शेल बी ड्रॉप, कि जो एक असेसमेंट खुलने वाला था उसको ईओ वहीं ड्रॉप कर दे, और ऐसा पहले क्लियर नहीं था लॉ में, अब बड़ा क्लियर बोल दिया कि आपका असेसमेंट ड्रॉप भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार आपको प्रेरित कर रहा हूं, जवाब दीजिए, हो सकता है आपके जवाब देने से आपका असेसमेंट ही ना खुले। An assessment under section 147 shall be opened by way of issuing a notice under 148 calling for return of income. या आपने जवाब नहीं दिया या जवाब दिया पर आपके जवाब से डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में assessing officer फाइनली आपका 147 का assessment 148 के अंदर section 148 में नोटिस दे करके खोल लेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, वेदर डिसीजन ऑफ एओ इज अपीलेबल। मान लीजिए 148A में एओ महोदय ने ऑर्डर पास कर दिया आपके रिप्लाई के बावजूद, और आप लिख रहे थे कि साहब मेरा टैक्स ड्यूली पेड है, मेरा असेसमेंट नहीं खुलना चाहिए, फिर भी एओ महोदय संतुष्ट नहीं है, उन्होंने तो आपका असेसमेंट खोल दिया, तो क्या डिसीजन ऑफ एओ इज अपीलेबल? सर मेरी ओपिनियन में इनकम टैक्स लॉ की सेक्शन की, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 246A में लिस्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर लिखे, और उस लिस्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर में 148A का ऑर्डर नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर एओ ने 148A में ऑर्डर डिस्पोज करते समय यह लिख दिया कि साहब मैं एसएससी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो 148A का नोटिस देने जा रहा हूं, तो एक तरीके से वो फाइनल ऑर्डर है। आप एज एन एसएससी अभी भी संतुष्ट नहीं है तो आपको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी है कि एओ ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया या उन्हें असेसमेंट ड्रॉप करना चाहिए था और वो असेसमेंट उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। तो मेरी ओपिनियन में यही एकमात्र रेमेडी है जिसके थ्रू आप ईओ के 148A में किए गए ऑर्डर जिससे आप संतुष्ट नहीं है उस पर आप एक रेमेडी सीक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइमा फेसाई लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में कोई रेमेडी स्पष्ट रूप से दी नहीं गई। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्या सेक्शन 148A का प्रोसीजर हमेशा लागू होगा क्या? सर 148A का प्रोसीजर तीन विशेष परिस्थिति में लागू नहीं है, मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूं, आप इस लैंग्वेज को चाहें तो ये वीडियो रोक कर भी पढ़ लीजिएगा। कि प्राइमा फेसाई ऐसे केसेस में जहां 1 अप्रैल 2021 बाद सर्च इनिशिएट हुई उन एसएससीज के केस में 148A का ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। ऐसे एसएससीज जिनकी कोई मनी बुलियन ज्वेलरी वैल्यूबल आर्टिकल थिंग किसी और के यहां सर्च हुई और वहां पर पकड़ी गई हो उनके केस में 148A का प्रोसीजर लागू नहीं होगा। और ऐसे केसेस जहां पर आपसे संबंधित कोई सूचना किसी और के यहां सर्च हुई उसके यहां पर मिली हो तो ऐसी परिस्थिति में आपका सेक्शन 147 में असेसमेंट खोलने के लिए भी सेक्शन 148A का प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं सर, कि क्या लॉ में टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148A मेंशन्ड है क्या? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। 148A का नोटिस कब तक दिया जा सकता है इसकी कोई समय सीमा सेक्शन 148A में मेंशन्ड ही नहीं, तो फिर सर ये तो कभी भी हो सकता है। सर 148A के नोटिस का बेसिक पर्पस है 148 सेक्शन में नोटिस देना, यानी एसएससी से रिटर्न मांगना और 147 का असेसमेंट करना। 148 सेक्शन में नोटिस देने की टाइम लिमिट इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 149 में लिखी है, वो टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई 148 का नोटिस देने की तो फिर 148A का भी नोटिस नहीं आ सकता, ये डिराइव्ड इंटरप्रिटेशन है। थोड़ी सी आपको कलिश लग सकती है लेकिन जिन पर 148A का नोटिस है आया है या आ सकता है उनके लिए जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर
इफ 3 ईयर हैव इलेप्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द केस फॉल्स अंडर क्लॉज बी, जब तक आपका केस क्लॉज बी में ना आ जाए, यदि असेसमेंट ईयर को कंप्लीट हुए 3 साल हो गए तो आप पर 148 का नोटिस नहीं आएगा, यानी 148 ए का भी नोटिस नहीं आएगा। इफ 3 ईयर बट नॉट मोर देन 10 ईयर हैव इलेप्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द एओ हैज इन हिज पोजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट एविडेंस विच रिवील दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to 50 lakh rupees or more for that year. Very important point, sir. कि अगर 3 साल from the end of relevant assessment year हो गए तो 10 साल तक भी notice आ सकता है 148 में, और अगर 148 में आ सकता है तो 148 A में भी आ सकता है, provided के minimum reason to believe 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की हो। और ये 50 लाख रुपए उससे ज्यादा की राशि सर 1 साल के लिए हो सकती है, 1 से ज्यादा साल के लिए भी हो सकती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना है। तो मैंने ये बोला सर कि 148A की टाइम लिमिट वो होगी जो 148 के लिए टाइम लिमिट होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। अपनी बात को एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए दोस्तों 2018-2019 असेसमेंट ईयर के लिए 10 अप्रैल 2022 को डिपार्टमेंट असेसमेंट खोलना चाहता है और उसके लिए एओ ने 148A की प्रक्रिया इस दिन उठाई 10 अप्रैल 2022 को। अब असेसमेंट ईयर 2018-19 के दोस्तों 3 साल खत्म हो गए 31 मार्च 2022 को। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि इस ईयर के लिए 4 लाख रुपए की इनकम एस्केप्ड हुई है, तो क्योंकि 3 साल निकल गए तो मिनिमम रीजन कितने का चाहिए, 50 लाख का। इंफॉर्मेशन कितने की चाहिए, 50 लाख की, वो तो है ही नहीं, तो अब 148A इस साल का नहीं हो सकता। मान लीजिए सर डिपार्टमेंट के पास में 10 अप्रैल 2022 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए सूचना है कि असेसी ने 60 लाख रुपए का प्रॉपर्टी बेचा और कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया। अब क्योंकि अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा है या 50 लाख रुपए अथवा उससे ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट प्राइमा फेसाई 148 का नोटिस देने के लिए 148A की प्रक्रिया पालन कर सकता है। सो दिस इज वन वे थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। मैं कह सकता हूं दोस्तों मेरी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके सामने रख रहा हूं, हाउ शुड एन असेसी रिस्पॉन्ड टू सेक्शन 148 ए नोटिस। एक प्रैक्टिकल एडवाइस जो मैं दे सकता हूं अपनी ओर से यहां देने की कोशिश करूंगा, सर 148 ए का नोटिस देना है, आपको लग गया कि साहब मैंने तो कर की चोरी कर ली, दिक्कत हो गई, मेरी ओर से गड़बड़ हो गई, अब क्या करें, तो क्या आप टैक्स पे करके चले जाएंगे तो आपका 147 का असेसमेंट ड्रॉप हो जाएगा? लॉ में कुछ भी नहीं लिखा। आपको एओ को यदि आप ये संतुष्ट कर दें कि मैंने सही टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है पहले से, चाहे रिटर्न में चाहे अब 148A का रिस्पांस करते समय, तो मुझे लगता है सर कि ऐसे चांसेस हैं कि आपका 148 ड्रॉप हो जाए। हालांकि लिखा कहीं नहीं है लॉ में, ये मेरी मान्यता है, और मुझे लगता है कि अगर एओ ड्रॉप ना भी करे, कल आपका असेसमेंट करे, तो हो सकता है आप पर पेनल्टी ना लगे, या पेनल्टी लगे तो आप पेनल्टी का केस जीत जाए कि सर मैंने तो 148A का नोटिस आते ही अपना टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, लॉ में इस विषय में दोस्तों क्लैरिटी नहीं है, पर मेरा मानना है अगर आपको लगता है कि वास्तव में कर चोरी हुई है और आपको वो कर चोरी अब दिखाई दे रही है, तो आप अगर टैक्स और इंटरेस्ट पे करके जाते हैं डिपार्टमेंट के पास 148A का रिस्पॉन्स लेकर के तो हायर आर द चांसेस कि आपको पेनल्टी से बचत हो जाए। चांसेस है, गारंटी नहीं, पर ये गारंटी नहीं होना सर लॉ में लैंग्वेज का स्पष्टता का अभाव है, तो इसलिए मैं उसकी गारंटी तो नहीं लेता, पर मेरा सजेशन है कि आप अगर टैक्स और इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको भविष्य में फायदा ही होगा। तो दोस्तों सेक्शन 148A पे बनाई गई ये वीडियो मुझे लगता है आपको कुछ यूजफुल इनपुट्स देने में सहायक होगी। ये वीडियो हालांकि काफी लंबी रही आपकी एक्सपेक्टेशन से, परंतु 148A के जिस तरह से अभी नोटिसेज आ रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो मुझे उम्मीद है दोस्तों जनता जनार्दन को एक सही व्यू डेवलप करने में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।